मैं हूँ आस्का पटेल और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। बिरसा चौक पे यहाँ पे लगातार धरने पे बैठे हुए हैं जूनियर इंजीनियर एवं लेखा लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रदर्शनकारी लगातार लगे हुए हैं यहाँ पे, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या मांग है और यहाँ पे क्या कुछ हुआ है पिछले दिनों। सर, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं लगातार पिछले कई दिनों से, तो क्या कुछ हुआ है बताइए। लगभग हम लोग एक महीना से यहाँ पे हम लोग अपने प्रमुख मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं अवधि विस्तार के लिए। 23 तारीख से हम लोग लगभग 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक हम लोग ने बिरसा मुंडा वहाँ पे हम लोग मैदान पे धरना प्रदर्शन किया। 23 तारीख को माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी ने आए और बोले कि आप लोग का पत्र 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा, आप लोग धरना को समाप्त कर दीजिए। हमने धरना को समाप्त कर दिया। 2 दिन तक पुनः हम लोग इंतजार किया, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी सहानुभूति, किसी भी तरह का पत्र डिपार्टमेंट से नहीं आया। फिर 2 दिनों में आप लोगों का कुछ हुआ है कि नहीं जैसा वो लोग बोले हैं? नहीं, कुछ नहीं, खाली लंबा लंबा वादा देके गए हैं। यहाँ पे बोल के गए कि आप लोग घर जाइए, आप लोग का तुरंत पत्र आ जाएगा आप लोग का, लेकिन कोई भी पत्र नहीं आया हम लोग का। फिर पुनः हम लोग 27 तारीख को आकर के यहाँ बिरसा चौक से हम लोग बैठना शुरू कर दिए, लगातार बैठे। कोई भी सरकार, सबसे बड़ा तो शर्म का ही बात है कि पक्ष के जितने भी सरकार के कोई भी लोग सूद लेने के लिए नहीं आ रहे कि हम लोग खाना खा रहे कि नहीं। आप लोग इतना ठंडा है पूरा रांची में। अभी तक में आप लोग के बीच कितना मंत्री आए? अभी तक कोई मंत्री नहीं आया यहाँ पे, सिर्फ 1-2 MLA आए हैं, विधायक जी आए हैं, इरफान अंसारी जी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। सिर्फ आश्वासन ही दे के चले जाते हैं तो हम क्या माने, बोलते हैं आप लोग जाइए, हो जाएगा, धरना समाप्त कर दीजिए। अब क्यों धरना समाप्त करेंगे, घर जाके किसको मुंह दिखाएंगे वहाँ पे? आप लोग यहाँ पे पिछले कई दिनों से ये जो ठंड बढ़ा हुआ है और उसमें आप इस बीच में यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हुए हैं, क्या कुछ परेशानी नहीं हो रही? बहुत सारी परेशानी हो रही है हमारे कर्मचारी की, लगभग 50 कर्मचारियों का तबियत खराब हो गया है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, और कोई आते हैं सिर्फ आश्वासन देके चले जाते हैं। सरकार से कहना चाहते हैं कि वो घर में रहते हैं, माल में रहते हैं, कभी कर्मचारियों को देखा है ना पार होते हुए कि कैसे रहते हैं दिन रात, तो उनसे कहना चाहते हैं घर अगर नहीं बना सकते तो अपने घर भी मत तोड़े। ये आप लोग के माध्यम, मीडिया के माध्यम पहुंचाना चाहते हैं संदेश की आप रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार छीनिए भी मत। आप लोगों का पूरा मांग क्या है, क्या मांगते आप लोग हैं? हम लोग पंचायती राज में समायोजन की मांग कर रहे हैं, संविधान विस्तार। हम लोग का 31 दिसंबर 2020 को संविधान खत्म हो चुकी है, उसको संविधान विस्तार किया जाए। तो मतलब आप लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहीं पे हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, 24 घंटे हम लोग यहीं पे रहेंगे। कितना दिन तक चलेगा लंबा? अब सरकार जब तक करना दे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जब तक सरकार पूरा नहीं कर देती हम लोग आश्वासन से नहीं, लिखित आश्वासन दे कि आप लोग का समायोजन कर रहे हैं तो ही हम लोग यहाँ से उठेंगे। तो हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए, वो तो बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत कुछ ला रहे हैं नौकरी। वो सिर्फ लंबा भाषण देते हैं, क्लियर बोलते हैं। खाली चुनाव से पहले गिरिडीह में भी आकर के मिले थे, देवघर में भी आके मिले थे, बोल रहे तुम मेरा छोटा भाई है तो हमको सत्ता में लाओ, उसके बाद देखो तुम लोग का परमानेंट कर देंगे, तुम लोग का सैलरी 30,000-35,000 कर देंगे, ये तुम्हारा रघुवर क्या करेगा। वो खाली रघुवर को निशाना बना करके सत्ता में आके बैठ गए, और बैठने के बाद फिर क्या किए, आँख में पट्टी बांध दिए। आपको कौन मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन नहीं, उनका रवैया पता चल रहा है ना, जब वो हमको छोटा भैया बोलते हैं, छोटा भाई बोलते हैं, एक मिनट, वो हमको छोटा भाई समझते हैं। वो बोले कि तुम लोग को जैसे हम सरकार में आएंगे तुम लोग को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, सरकार में तो अभी है वो, ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, सरकार में मुख्यमंत्री के पद में बैठे हुए उनका मंत्री है पूरा, तो अभी हम लोग को रोड पार है, एक महीना से क्यों नहीं आज यही रोड से पार होते, यही रोड से नजर भी नहीं निकालते, देखते हैं कि लोग कौन है कौन नहीं है, मेरा झारखंड का है कि नहीं है, यही रोड से पार होते हैं और मंत्री जी भी पार होते हैं। तो अब बताइए हम क्यों उनको अपना मुख्यमंत्री माने, क्यों बोले कि वो हमको हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। वर्तमान की सरकार से आप खुश नहीं? एकदम खुश नहीं है ना, खुश है, जैसे वो वादा किए थे वो वादा खिलाफ ही है, कैसे खुश रहेंगे बताइए। खुश रहते हम लोग सड़क पर थोड़े बैठते हैं, अगर खुश रहते हम घर में रहते, अपने परिवार अपने बाल बच्चे के साथ रहते हैं, जो दैनिक कार्य था हम अपने कार्य क्यों कर रहे होते, हम सड़क पर क्यों बैठे रहते यदि हम सरकार से खुश रहते। तो आप बोलना चाहते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए वो खुश नहीं किए युवाओं के? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मुख्यमंत्री जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उसके दूसरे दिन हम लोगों ने उनके आवास पर मिला, बुके दिया, बुक भी दिया, उनके साथ वार्तालाप भी हुई, उन्होंने यही कहा कि हम रोजगार देने वाले शासक हैं, रोजगार छीनने वाले नहीं हैं, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, और जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सभी का समायोजन और समान काम समान वेतन हम जरूर से जरूर लागू करेंगे, परंतु एक वर्ष सरकार के शासनकाल का एक वर्ष बीत चुका है, नई नौकरी देने की बात की है सरकार, तो क्या लगता है जब पुरानी ही नौकरी नहीं बचा पा रही है सरकार तो नई नौकरी देगी क्या। और एक 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 स्पष्ट ये बता देना चाह रहा हूँ कि हम जिस
पंचायती राज विभाग में काम कर रहे हैं। हमारा वेतन 14वीं वित्त आयोग मद से हो रहा था और अब 15वीं वित्त आयोग मद से केंद्र द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। पैसा केंद्र का है, वेतन का जो पैसा है, जो हमको वेतन जिस पैसे से मिलना है वो पैसा केंद्र का है। राज कहाँ कोई क्या जनरेट कर रही है? राज आपको केंद्र का ही पैसा हमको देना, तो आप ड्रामा कर रहे हैं। तो आप केंद्र का जो पैसा है वो आपको नहीं मिलना? नहीं, केंद्र का ही पैसा से हम वेतन ले रहे थे, आज भी आपको केंद्र के ही पैसे से वेतन देना है। राज्य वित्त पर एक चीटी भर का भी बोझ नहीं पड़ने जा रही है। बावजूद इसके ग्रामीण विकास मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पता नहीं क्या कारण है जो हम लोगों का अवधि विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। और एक बात हम मीडिया बंधु से ही पूछना चाहेंगे कि 29 तारीख का उनका एक साल का कार्यक्रम कंप्लीट हुआ था, वो मोराबादी मैदान में खड़ा होकर के क्या कहे थे कि जनवरी में हम 15,000 वैकेंसी ला रहे, बोले थे कि नहीं बोले थे? ये आप चीज मानते कि नहीं मानते हैं? ये उन्हीं का कहा हुआ था कि मार्च तक में 10 से 15,000 युवाओं को। ठीक है, नहीं, आप बोले थे कि जनवरी में आएगा नया बहाली, जनवरी में, लेकिन जनवरी में क्या है पता है? जो पुराने लोग जो काम कर रहे थे उनको धक्का मार के निकाल दिए, कोई नया बहाली नहीं आया। तो आप क्या समझेंगे, वो नया के लिए लंबा खाली भाषण देते हैं खाली? मतलब आप लोग वर्तमान की सरकार से एकदम नाखुश हैं, आक्रोशित हैं? खुश तभी होंगे, हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से हम ये कह रहे हैं, तभी खुश होंगे जब वो खुशी खुशी अच्छे से पत्र हम लोग को समायोजन कर देंगे, खुद आ करके हम लोग को पंचायती राज में समायोजन करके बोलेंगे भाई जो भी हो गया अब तुम लोग के लिए हम अच्छा करेंगे, जो हम वादा किए थे वादा को हम पूरा करेंगे, तब हम सरकार को बोलेंगे मेरे लिए सरकार अच्छा, वरना हम सरकार के खिलाफ आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे। मेन मुद्दा है, देखिए 14वां वित्त आयोग में तो काम किया है, 14वां वित्त आयोग में हम लोग काम किए हैं, 15वां वित्त आयोग में भी 9 महीना काम करवा चुका है हम लोगों को, और अभी न्यू बहाली किस आधार पर सरकार लेगी, इससे कौन खुश रहेगा? हम लोग जबकि हम लोग 4 साल सेवा दे चुके हैं 14वीं वित्त में, और 15वीं वित्त में भी 9 महीने हम लोग सेवा दे चुके हैं, और वो सरकार बोल रही है कि हम लोग 15वीं वित्त में नई बहाली करेंगे, किस आधार पर करेंगे? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चिट्ठी के द्वारा क्लियर कर दिया कि हम अनटाइड फंड से पेमेंट कर सकते हैं, जब वो 14वीं में कंटीजेंसी से पेमेंट हो रहा था 10% से, तो इसमें भी कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार का पैसा नहीं दे रही? नहीं, हम लोगों को सेवा विस्तार नहीं कर रही है ना, सेवा से मैं 4 साल सेवा लेने के बाद 14वीं में, 15वीं में 9 महीना सेवा लेने के बाद वो अब कह रही है कि हम न्यू बहाली करेंगे, नया जो है न्यू लड़के को लेंगे, जब ट्रेंड ऑलरेडी मिल रहा है, स्किल्ड मैन पावर मिल रही है, तो उनको फिर हटाने का क्या मतलब है? क्यों सरकार हटाना चाहती है? नया बहाली का कोई दुख ही नहीं बनता। यहाँ पे बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे, और इनका ये भी कहना है कि वर्तमान के सरकार से ये बिल्कुल ही नाखुश है और काफ़ी ज़्यादा ये आक्रोशित भी हैं। इनका कहना है कि मांग पूरी होगी तभी हम यहाँ से हटेंगे। आगे देखते हैं कि ये लोग कब तक यहाँ पे डटे रहते हैं। अपने सहयोगी प्रीतम के साथ मैं आस्का पटेल, झारखंड न्यूज़ 9 रांची।